मैं आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर बताऊँ, हाईकोर्ट का ऑर्डर वो नहीं है, एक्ट बताओ, एक्ट बताओ, हाईकोर्ट का ऑर्डर वो आपको प्रोसीजन के वो प्रोसीजन को सपोर्ट करेगा, ऐसा कॉमन पब्लिक में आप भी जाओ बोले तो कॉमन पब्लिक में ऐसा जाने का ऑर्डर है, अभी वो 2004 में 2014 में गाड़ी गाड़ी नहीं रखना, आप कॉमन पब्लिक में ऐसा गए हाँ करा था बताओ मेरे को कानून बताओ बोलिए जी आपको बोलो नहीं साहब हम क्या है खाली गाड़ी में बैठ के जाते हैं, अगर कोई गलती करे तो आप पकड़ो, आपको पकड़ो जो करना है तो उनके साथ गए क्योंकि उनके साथ नहीं जाते, पहले चले जाते, पहले चले जाते, उनसे पहले चले जाते, पहले भी जाने का आप बाद में जाओ तो बाद में जाते, पहले जाओ तो पहले जाते, आप जैसे ऐसा करते हैं जेल में शरीक होते हैं, कंपल्सरी जेल में सब पैसा भी आते, पैदल भी आते, घोड़े में भी आते, बिहार से वहां तक आप बोले तो पैदल जाते, जहाँ तक बोले वहां तक पैदल जाते, वहां से चले जाते, ऐसा नहीं बोल दिया वो कॉमन पब्लिक ऐसा गए तो भी गया तो फुकरा फुकरा लिख जाते है, लिख जाते पैसे ही जाते हम कॉमन पब्लिक हम नहीं है ना, हम सज्जादा पीठाधिपति हूँ मैं, तुम्हारा आदि शंकराचार्य को बोलते जाके कॉमन पब्लिक के जैसा जा बोल के नहीं बोल सकते, आप ऐसा परमिशन लाइए, परमिशन लाइए सीपी साहब से, परमिशन लिया आपको इधर से जाने का, इधर से जाने का, नहीं मैं कभी भी नहीं लिया हम परमिशन जाने का, ऐसा नहीं है परमिशन पक्का, वो बात सुबह कभी भी हम परमिशन नहीं लिए क्योंकि हमको अभी भी नहीं, हमको जुलूस, हमको जुलूस निकाल रहे जमा कर रहे लाखों का, तो परमिशन लेंगे हम गाड़ी में बैठ के जाते, गाड़ी में बैठ के आ जाते, आप जहाँ से बोले वहां से बैठते, आप चौरस्ते के बाद बैठो वो तो बैठते, यहाँ बैठो वो तो यहाँ बैठते, आप जहाँ बोले आप बताओ वहां से बैठते, हम आम पब्लिक के जैसे आप साथ चलो, हम आम के जैसे प्रोसेशन में कोई निकलने का है तो सीबी साहब से परमिशन ले, नहीं प्रोसेशन 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 है ही नहीं हमारे, अरे आप गए तो वो प्रोसीजन आ जाए आपका, वो तो मैं क्या अच्छे आदमी है, वो आपको बड़ा आदमी है, आप पंडित है, मैं क्या आपके साथ आ जाते वो कहा, आप कानून बताओ गिरफ्तार करो, 10 व्हीकल 15 व्हीकल परमिशन दे सकते हैं, लेने के बाद कर ले, परमिशन नहीं, आप परमिशन नहीं, एक काम करो मेरी गाड़ी यहाँ रह दो घर के पास, मैं यहाँ से बैठ के चलता हूँ, तुम लोग गाड़ियाँ दूर रखो एक मिनट मस्जिद करने, तुम लोगों की गाड़ियाँ सब अलग करा दो, वहां से पूरे जाके पैदल यहाँ से चलिए, मैं गाड़ी में चलता हूँ वहां जाके बैठ जाऊंगा, नहीं नहीं हम मैं अकेले कॉमन पब्लिक के जैसा बोलता हूँ, कॉमन पब्लिक के जैसा परमिशन लेने की जरूरत है, आप बोला बात करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद फैसल अली शाह सज्जाद नशीन दरगाह सुफैन, अवाम से और हुकूमत से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस जो है बिला वजह के जुल्म कर रही मासूम लोगों पर, और जो है दरगाह में जो है गरीब और शरीफ लोग आते जो ज़ायरीन आते उनको तंग कर रहे, दरगाह में गुंडों को जो है सपोर्ट कर रहे, दरगाह में आके वो एक जो है मुतवली साहब जो है गैर कानूनी तौर पर वफ एक्ट के ख़िलाफ़ जो है मुतवली बन के बैठे हुए है, ब्राइब करके लोगों को जो है जो भी करके उन्होंने वो करके बैठे हुए हैं, उन्होंने सब गुंडागर्दी और न्यूसेंस पैदा कर रहे, नहीं तो 300 बरस से हमारे बाप दादा सकर दादा मेरे पास मुग़ल पीरियड का जो पहला डॉक्यूमेंट है मुग़ल पीरियड से ले के पूरा उस्मान अली खां की हुकूमत, फिर ये जो इंडियन गवर्नमेंट का भी मेरे पास ऑर्डर है कि मैं सज्जादा नशीन हूँ हेरिडेटरी और मैं मुतवली हूँ, मैं मुजाविर हूँ, और वफ एक्ट के लिहाज से भी, वो वफ एक्ट की किताब ला, वफ एक्ट के लिहाज से भी देखिए आप यहाँ जज खुद मेंशन करें हमारे अफजलपुर कर्जा, ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन इज अनअफेक्टेड बाय द सस्पेंशन और अदरवाइज फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मुतवली इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 64(2) ऑफ द वफ एक्ट 1995, पेटिशनर हु क्लेम्स
to be Sajjana Nashin shall be allowed to function as Sajjana Nashin, though the order is suspension of his status as a Mutawalli is not interfered with. ये जब इन लगा मेरे को सस्पेंड करे ना तो मेरे को रसूमात अदा करने नहीं दे रही थी वक्फ बोर्ड, तो मैं ये डाला तो ये ऑर्डर मिला मेरे को कि इनकी सज्जादगी महफूज है, 64 के तहत इन लोग मेरे को रिमूव करे पूरे इल्ज़ाम लगा के, और उस 64(2) के तहत ये ऑर्डर है, और 64(6) एक क्लास में वो 64(6) के तहत जहाँ हेरिडेटरी मुतवली और सज्जादा नशीन रहता वहाँ वक्फ बोर्ड जो है ट्रिब्यूनल को आप दरख्वास्त देना कि यहाँ कोई रिसीवर कायम करो आप, और रिसीवर को ये ताकीद करो कि सज्जादा नशीन के और रिमूव मुतवली के जो भी पर्सनल राइट्स है नहीं उसको प्रोटेक्ट करते हुए। अभी क्या मसला ये है, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, वक्फ बोर्ड एक जो सेमी गवर्नमेंट इदारा है उसको बोल रहे गवर्नमेंट की हमको सुनना पड़ता। सीओ फोन करके बोला, मैं बोला सीओ को लिख के दो, बोला ना भाई सीओ ने एक अहदेदार है जिम्मेदार आदमी है तो लिखा ही पढ़े से काम करना, नहीं उन्हें लिख के दे दो फैसल अली शाह आप मत निकलिए आपका निकलना मना है फलाने फलाने वफ एक्ट के तहत, पुलिस वालों को दे दो, पुलिस वाले मेरे को दे देते, मैं खुद ही नहीं निकलता हूँ। अच्छा अब यह मसला है फिल वक्त मैं जायरीन के तरह चाहे नहीं शरीक हो सकता हूँ, मेरे को मुतवली से हटा दिए होंगे, सज्जादा नशीन से तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हटा सकता मेरे को, वो तो मेरी रूहानी गादी है, नहीं मैं अभी सरकार साहब को वही बोला नहीं आप निकले तो पब्लिक जमा हो जाती, पब्लिक जमा होती तो मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं आप एक आम पब्लिक के जैसा जाओ, मैं बोला आदि शंकराचार्य को जाके बोलो आम पब्लिक के जैसा निकलो बोल के बोलो, तुम्हारे कौन से कानून के तहत बोल रहे तुम ये बात, अभी क्या चाह रहे हो? नहीं मैं तो सरकार के जेले में शरीक होना चाह रहा हूँ समझे ना, और मेरे को अकेला जाओ बोले, मैं अकेला जा रहा हूँ तो पब्लिक जमा हुई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं नहीं है बोल के आपको नहीं परमिशन कहीं के वास्ते हो ना, मैं कोई प्रोसेशन निकाल रहा हूँ, मैं कोई प्रोसेशन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं अकेला गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ तो नहीं जाना बोल रहे, मेरे घर में घुस जा रहे जनाना है बोल तो घुस जा रहे पुलिस वाले, ये तरीका है पुलिस का आपको हाउस अरेस्ट करे बोल के बता रहे हैं अभी, कहीं को करे मैं क्या करा, चोरी करा डाका डाला कोई वो कर रहा हूँ मैं परमिशन नहीं है कहीं का परमिशन होना, मेरे को रोड पे जेल में शरीकों ने परमिशन होना, आप लिख के दो बोला ना उनको, उनको लिख के दो बोलो जेड़े में शरीक होने का परमिशन होना बोल के, अब कितने जाहिरीन है ये सब जाहिरीन है, इन्हों शरीक होने आए जेले में दूर दूर से आए, कोई कर्नाटक से आया कोई उससे आया, मेरे पास हर साल मैं बुलाता हूँ, हर साल आते इन लोग जाके शरीक होते, मैं भी शरीक होता हूँ, मैं जाहिरीन के जैसा नहीं शरीक हूँ, आप कौन सा कानून बताओ बोलो ना, आप पुलिस को आप मीडिया वाले पूछो सवाल कीजिए आप। आज फैजल अली शाह बोल के वो सज्जाद नाशिन एक्स मुतवली है, उन्हों वो यूसुफ़ैन दरगाह से पंजे शाह तक वो प्रोसेशन निकालने का परमिशन नहीं लिया, उन्हों वो इधर से प्रोसेशन लेने का वो तैयार करे, उसलिए मैं प्रश्न नहीं निकालना आपको आपके पास परमिशन नहीं है ऐसा उसलिए बोल के उनको रोका, परमिशन नहीं ना वो प्रश्न नहीं लेना ऐसा बोल के रोका उन सब ये बोल रहे कि प्रोसेशन नहीं निकाल रहे, वो लोग ज्यारत के लिए जा रहे बोल के, तो उसके लिए परमिशन का हमको जरूरत नहीं है बोल के बता रहे साहब। यह उन्होंने वो उधर गए तो भी वो अभी तक जाना है, वो उन्होंने ऐसी बोल के बाहर ऐसा जाके ऐसा वो करने का और कुछ गड़बड़ करने का उसमें सोच रहे, मेरा इंफॉर्मेशन भी आया, वो इंफॉर्मेशन के बारे में उनको रोका, वो प्रश्न नहीं लेना बोल के उनको रोका, जिनको हाउस अरेस्ट करे सर ऐसा नहीं, वो हाउस अरेस्ट नहीं करे वो बोला, वो उन्होंने भी ऐसा ऐसी है उन्होंने ऐसा सोच रहे मैं हाउस अरेस्ट नहीं करे
वो खाली उनको बोला वो प्रोसेशन नहीं निकालना आपको परमिशन नहीं लिया आप ऐसा बोला।